यूपी के फरुखाबाद से, जहां सीआईएफ महिला जवान कुलविंदर सिंह कौर के पक्ष में उतरी भारतीय किसान यूनियन टिकट। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे थोड़ा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फरुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला अधिकारी को सौंपा, जिसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर टेलर सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर सिंह कौर, जो कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के मामले में निलंबित की गई है, उनके पद पर बहाल किया जाए एवं कंगना रनौत, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए गलत बयानबाजी करते हुए कहा था कि आंदोलन में जो महिलाएं भाग लेती हैं उनको 100 रुपए दिए जाते हैं, उपयुक्त गलत बयानबाजी को लेकर कंगना रनौत तत्काल माफी मांगे। देखिए फरुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फरुखाबाद जनपद में, जहां हमारे बीच बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के फरुखाबाद के जिला प्रवक्ता एवं विधिक सलाहकार अजय कटियार। अजय जी, जैसा कि कुछ मिनटों पहले आपने एक ज्ञापन महामही राष्ट्रपति के नाम का सौंपा है फरुखाबाद एसडीएम गजराज सिंह के हाथ में, जो कंगना रनौत के से संबंधित है, यह ज्ञापन किस प्रकार का है? देखिए, अभी बहुत जल्द हाल ही में एक घटना घटित हुई है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। वहाँ सीआईएसएफ की महिला जवान श्रीमती कुलविंदर कौर जी ने कंगना रनौत के थप्पड़ मारा है, और उन्होंने ये भी बोला है कि उन्होंने किसान आंदोलन जब चल रहा था तो कंगना रनौत जी ने एक बयान दिया था कि किसान आंदोलन में जो महिलाएं आती हैं वो 100-100 रुपये में आती हैं। मैं समझता हूं कि इसी जो बयान दिया था, इसी आवेश में जो उनके अंदर वो रहा होगा, कष्ट रहा होगा, उसी का ये परिणाम था कि उन्होंने थप्पड़ मारा। और मुझे लगता है कि कंगना रनौत जी ने जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक है। अगर उनकी माँ के लिए कोई ये कहे, हमारी आपकी या किसी अन्य की माँ के लिए अगर कोई ये कहे, तो ये तर्कसंगत नहीं है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन भेजा है जिलाधिकारी जी फरुखाबाद के माध्यम से, और हमने ये मांग की है कि उनको वहाँ से जो वहाँ निलंबित किया गया है हरियाणा सरकार ने, तो वो उनको बहाल करें। और कंगना रनौत जी पूरे देश से माफ़ी मांगे। भारत माता हम क्यों कहते हैं? भारत माता की जब हम बात करते हैं तो हमारी भी तो माता उतनी ही पूजनीय है। कंगना रनौत जी की भी तो माता उतनी ही पूजनीय है। अगर उनकी माता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए तो वो क्या कहेंगी, उनका क्या आवेश होगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो मेरा ये कहना है कि कंगना रनौत जी पूरी देश की माताओं से, बहनों से माफ़ी मांगे, अपनी गलती का एहसास करें। और जो आवेश में आके कुलविंदर कौर जी ने थप्पड़ मारा है, ये स्वाभाविक था, और मैं समझता हूँ कि उनको उस सरकार से मैं कहूँगा, महामहिम राष्ट्रपति जी से कहूँगा, जो हमने ज्ञापन भेजा है, कि वो उनको उस सरकार को बोलें, उनकी नौकरी को बहाल कराएं। देखना यह है कि मांगे तो किसान यूनियन भारत ने कर दिया और कई भी अन्य संस्थाएं भी इस बात को लेकर चर्चा का विषय बना है। क्या कंगना रनौत मांगेगी आम जनता से माफ़ी, या सीआईएफ की वह महिला जवान को पुनः नियुक्त किया जाएगा अथवा नहीं, यह तो सरकारी मुद्दे हैं, अपितु हम हर रोचक जानकारी आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फरुखाबाद।